Good morning, class. How are you all? Hope doing very well in summer vacations. So in today's new online class, the topic is use of under. Like in last two videos, or two online classes, we have learned use of in and use of on. In today's online class, we will learn the use of under. Under is also a word which used to show the location of objects. In में भी हम objects की location देखते हैं कहाँ पे है. In means अंदर या में. On में भी हम objects की location देखते हैं कि कौन सी चीज़ किसके ऊपर है, पर या ऊपर. Likewise only under भी हुई. Under means नीचे. Under means नीचे. कौन सा ऑब्जेक्ट किस चीज़ के नीचे है, फॉर दैट वी विल यूज प्रेपोजिशन अंडर. सो हेयर यू कैन सी दैट अंडर इज यूज टू शो द लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. अंडर भी जो एक वर्ड है वो लोकेशन शो करने के लिए यूज होता है ऑब्जेक्ट्स के. लाइक इन दिस पिक्चर यू कैन सी हेयर इज अ बेड और उसके अंडर एक बॉक्स है. थोड़ा सा दिख नहीं रहा है साफ, बट हेयर इज मैंशनड अ बॉक्स इज अंडर अ बेड. बॉक्स जो है वो बेड के नीचे है. इन सेकेंड पिक्चर रिवर इज अंडर अ ब्रिज. रिवर मीन्स नदी. नदी ब्रिज मतलब पुल. नदी कहाँ होती है? पुल के नीचे बहती है. सो अ रिवर इज अंडर अ ब्रिज. इन दिस पिक्चर टॉय इज अंडर अ टेबल. टॉय रखे हैं यहाँ पे, खिलौने रखे हैं तो टेबल के नीचे रखें. टॉय, अ टॉय इज अंडर अ टेबल. हियर इन दिस पिक्चर एक चेयर है और उसके नीचे एक बिल्ली बैठी है. तो बिल्ली को हम क्या कहते हैं? कैट. अ कैट इज अंडर द चेयर. अंडर नीचे. अ गर्ल इज अंडर अ ट्री. एक गर्ल एक लड़की एक पेड़ के नीचे बैठी है. नीचे है या नीचे बैठी है. In this picture, a cat is under a mat. चटाई के नीचे क्या है? बिल्ली बैठी हुई है ना. So under is a word which used to show the location of the objects. उसका meaning होता है नीचे. Okay? We will also learn the use of and. And means or. या तथा भी कैसे हैं इसे हिंदी में. ओके, सो यू कैन से दैट एंड इज अ कंजंक्शन व्हिच इज यूज्ड टू जॉइन टू वर्ड्स और स्टेटमेंट्स. एंड क्या है? एक कंजंक्शन होता है. कंजंक्शन होता है जो कि वर्ड्स को स्टेटमेंट्स को जोड़ने के काम आता है. और यानी कि मैं और मेरा भाई कल मार्केट गए थे. तो मैं और मेरा भाई, तो मैं और मेरा भाई दोनों शब्द को जोड़ने के लिए क्या यूज़ किया हमने? और. सो और की इंग्लिश होती है एंड. तो एंड को सेंटेंसेस या वर्ड्स को जोड़ने के लिए यूज़ किया जाता है. लाइक यू कैन सी ओवर हियर एक पेन और एक पेंसिल. और एक पेंसिल है ना. सो वी विल से अ पेन एंड अ पेंसिल. अ पेन एंड अ पेंसिल. अ कैट एंड अ रैट. एक बिल्ली और एक चूहा. अ डॉक्टर एंड अ नर्स. एक डॉक्टर और एक नर्स. सो और के लिए हम यूज करेंगे एंड. अ डॉक्टर एंड अ नर्स. इन दिस पिक्चर टीचर एंड अ स्टूडेंट. अ टीचर एंड अ स्टूडेंट. अ ग्लास एंड अ जग. अ ग्लास एंड अ जग मीन्स एक ग्लास और एक जग. तो दोनों चीज़ों को जोड़ने के लिए, वर्ड्स को जोड़ने के लिए हमने क्या यूज़ किया? एंड. अ टेबल एंड अ चेयर. अ टेबल एंड अ चेयर. सो टेबल और चेयर को जोड़ने के लिए वी ऑल्सो यूज्ड एंड. सो बेसिकली यू कैन से दैट एंड इज अ कंजंक्शन व्हिच इज यूज्ड टू जॉइन टू वर्ड्स और स्टेटमेंट्स. एंड का यूज हम टू सेंटेंसेस और वर्ड्स को जोड़ने के लिए करते हैं. एंड मीन्स और.
नाउ वी विल डू दिस एक्सरसाइज पुट ऑन इन अंडर एंड एंड. हमने जितनी भी अभी तक प्रपोजिशन दो ऑन और इन और अंडर और अभी हमने पढ़ा एंड, इन चारों को यूज़ करके वी हैव टू फिल दिस अकॉर्डिंग टू दिस पिक्चर्स. जैसे ये पिक्चर में है उसके हिसाब से हमको ये करना है. ओके सो लेट अस फिल इट. सो आप यहाँ पे देख सकते हैं अ बेबी इज़ डैश, यहाँ पे लिखा है डैश अ मैट, मैट के ऊपर है. सो ऊपर और पर के लिए वी यूज़ ऑन, ऑन अ मैट. सो अ बेबी इज़ ऑन अ मैट. अब ये कैट है और रैट है तो दो चीज़ें, बिल्ली और चूहा. तो और के लिए हम लोग लगाते हैं एंड, वी यूज़ एंड दो चीज़ों को जोड़ने के लिए, अ कैट एंड अ रैट. इन दिस पिक्चर यहाँ पे क्या है, रिवर है और ब्रिज के नीचे, नीचे के लिए हम यूज़ करते हैं अंडर. अ रिवर इज अंडर अ ब्रिज. ये ज़ीब्रा है और ये ज़ू में है, ज़ू के अंदर. मे के लिए हम यूज़ करते हैं इन, अ ज़ीब्रा इज इन अ ज़ू. अ मंकी इज, मंकी पेड़ पर, पर और ऊपर के लिए वी यूज ऑन. सो वी विल फिल हियर ऑन, अ मंकी इज ऑन अ ट्री. ग्लास एंड जग, दो चीज़ों को जोड़ने के लिए वी यूज एंड, अ जग एंड अ ग्लास. अब ये कैट है और ये मैट के नीचे है, नीचे मीन्स अंडर. सो अ कैट इज अंडर अ मैट. एंड द लास्ट वन इज, ये मैन है और ये कार के अंदर है, है ना. सो अ मैन अंदर के लिए या मे के लिए इन, अ मैन इज इन अ कार. सो एज यू कैन सी दैट वी हैव लर्नड अबाउट यूज ऑफ ऑन इन अंडर एंड, और इसका यूज़ करके हमने ये एक्टिविटी को भी आज कवर अप किया. सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड वॉट यू हैव टू डू. आप सबको क्या करना है, यू शुड ऑलवेज प्रैक्टिस ऑफ डूइंग द लेसन्स विच आई हैव टॉट. जो भी मैंने पढ़ाए हैं उनकी प्रैक्टिस आपको घर पर करनी है. सो ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ नाइस डे. थैंक यू.